नमस्ते जब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कई लोगों ने सवाल किया है कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ और इससे मुझे क्या मिलता है इसके पीछे दो रीज़न हैं पार्ट बाई पार्ट में बताऊँगा तो आज के भाग में आज के पार्ट में मैं पहला रीज़न बताता हूँ और उससे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो मुझे बचपन में मेरे दादू सुनाया करते थे कि ये पूरी दुनिया मतलब पूरा पृथ्वी शेषनाग ने अपने सर पे उठाया हुआ है इसलिए हम लोग मतलब अभी तक सही सलामत हैं और शेषनाग खुद समुद्र में है और जब वो हिलते हैं शेषनाग तो पृथ्वी में भूकंप आते हैं इस तरह की बातें बचपन में सुना करता था दादू सुनाते थे एक टाइम के बाद पता चल गया कि पृथ्वी कहाँ पर लटका हुआ है क्या है पूरा ब्रह्मांड का जब जब हम लोग विज्ञान पढ़ते थे सामाजिक विज्ञान पढ़ते थे तब समझ में आया कि ग्रह हैं पृथ्वी नहीं जो लटके हुए हैं हवा में भी नहीं निर्वाध में लटके हुए हैं कोई शेष स्नाग नहीं है अब मैं इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ मैं सबसे लड़ तो सकता नहीं अब कोई 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 हो सकता है बोल देंगे कि अदृश्य है वो पर वो हैं तो विज्ञान में ये सब चीज़ें साबित नहीं कर सकते और किसी से लड़ नहीं सकता है। इसलिए मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ मैं ये चाहता हूँ कि लोग माने भगवान को माने बिल्कुल माने भगवान है आप राम श्री राम को भगवान मानते हैं श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं प्रभु ईश्वर को, को भगवान मान रहे आप अल्लाह मान रहे किसी को चाहे बुद्ध को जिसको भी मान रहे आप भगवान माने बिल्कुल आस्था रखनी चाहिए और उनको आदर्श मान के उनको फॉलो भी करना चाहिए वो जो जो बोल रहे हैं उसे करने की कोशिश करनी चाहिए उनके जो उपदेश हैं उनको कोशिश करना चाहिए अपनी लाइफ में अमल करने का लेकिन हमारे धर्म में ज़्यादातर कुछ ऐसा होता है ना कि कुछ लोग फ़ायदा उठाते हैं हमारे भक्ति का जैसे कि अभी पिछले कुछ सालों में आपने सुना होगा आसाराम राम, राम रहीम ऐसे लोग वो इसीलिए क्योंकि हम एकदम अंधविश्वास पे चले जाते हैं भगवान को माने पर अंधविश्वासी न बने माने और इसीलिए मैं ये वीडियो बनाना चालू किया हूँ कि शायद शायद सौ में से दो लोग दो या दस या पचास जितने लोग भी समझ सकें तो अच्छी बात है नहीं समझ सकते तो फिर मैं तो अपने अपने थाट्स खुद मतलब फॉलो करता ही हूँ और अगर आप लोग को सही लगेगा तो आप भी शायद फॉलो तो लगे करने लगें तो कोशिश यही है आप जब सही तरीके से मानने लगेंगे ना तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता आपको धर्म के नाम पे ठगेंगे नहीं क्योंकि आपको पता रहेगा कि धर्म क्या है क्या मतलब सत्य कहाँ है सब चीज़ें मन की शांति कहाँ है मन की शांति बिल्कुल मंदिर में है अभी पिछ, अभी तो सावन गया अब जब अगले साल सावन आएगा मतलब मैं अपनी सोच बता रहा हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ किस तरीके से मैं चाहता हूँ आप भगवान को माने या मेरा वीडियो देख के तो आप समझ ही चुके होंगे किस तरह से चाहता हूँ कि भगवान को माने और कैसे पूजा पाठ करें ये सब के बारे में थोड़ा सा बात करना चाह रहा था कि जैसे सावन आता है सभी को ही शंकर जी में शंकर भगवान में जल चढ़ाएंगे दूध चढ़ाएंगे बेलपत्र चढ़ाएंगे सब बढ़िया बात है बहुत अच्छी बात है अपनी आस्था है करना चाहिए सबको करना चाहिए पानी की तो समस्या नहीं है जल चढ़ा रहे तो जल चढ़ा दिए वो बह गया कोई दिक्कत नहीं है आप जब कुछ फल चढ़ाते हैं फल को कैसे चढ़ाते हैं अगर मिठाई चढ़ा रहे तो डब्बा में चढ़ाएंगे है ना और और भी जो भी चीज़ें फल हैं मतलब उसको सुरक्षित चढ़ाते हैं ऐसा सुरक्षित से मेरा मतलब है कि उसको निकाल के फिर प्रसाद के रूप में बांटा जा सकता है प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं या फिर वो पुजारी ले ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है मंदिर का पंडित ले ले क्योंकि तो कोई ना कोई खाएगा ही यार वो खाएंगे उसके परिवार के खाएं बच्चे लोग खाएं जो भी खाएं खा रहे हैं कोई वेस्ट नहीं जा रहा है लेकिन एक चीज़ हम लोग भूल जाते हैं कि जब हम दूध से अभिषेक करते हैं शंकर जी का तो उस समय हम ये नहीं सोचते कि जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि फल को कोई ना कोई खा रहा है वो हम वेस्ट कर देते हैं पूरा मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आप दूध मत चढ़ाओ है न और दूध आप ख़रीदेंगे नहीं तो वहाँ जो बगल में जो भी दुकान लगाए हैं ठेला लगाए हैं जो भी उनका ज़िंदगी कैसे गुजरेगा तो वो भी ज़रूरी है आप बिल्कुल दूध खरीदें दूध खरीद के भगवान में अभिषेक के लिए लेके कर जाएँ मैं चाहता हूँ कि आप एक बर्तन में क्योंकि मिठाई भी हम चढ़ाते हैं तो बर्तन में या किसी डब्बे में तो उस तरह से दूध को भी लेके जाएं आपको शंकर जी में अभिषेक करना है तो थोड़ा सा वहाँ पर अभिषेक कीजिए और बाकी को वही डब्बे पर रख दें अगर डब्बे पर रख देंगे देखिए अगर उसको सीधा चढ़ा देंगे पूरी तरह से एक लीटर दूध शंकर जी में चढ़ा देंगे वो बह के बाहर निकल जाएगा नाली में चल देगा जो भी वो एकत्रित नहीं होता है ना वो वेस्ट हो गया वो किसी के काम नहीं आया किसी के काम नहीं आए आपको मैं ये नहीं बोल रहा कि भगवान अम्बर चढ़ाओ चढ़ाइए पर उसको ना डब्बे में रख दीजिए आप उसको अभिषेक किए और उसके बाद थोड़ा सा अभिषेक किए और वहीं पर भगवान के चरणों में ही वहीं पर रख दीजिए छोड़ दीजिए और डब्बे में रहेगा तो किसी न किसी के काम आएगा एक तो गाय को पीने नहीं दिए है ना लेके आ गए दूध को और उसको फिर फेंक दिए चाहे भगवान में चढ़ाए जैसा भी लेकिन उसका अंत तो बुरा ही हो गया ना मेरे कहने का मतलब है कि उसको आप भगवान में चढ़ा रहे हैं भगवान के चरणों में डब्बे के साथ रख दीजिए थोड़ा सा आप उनको अभिषेक करना चाहते हैं थोड़ा सा अभिषेक कर दीजिए बाकी को डब्बे में रखिए ताकि वो दूध ना या तो आप खुद प्रसाद के रूप में ले आए क्योंकि हम फल भी चढ़ाते हैं तो प्रसाद के रूप में लाते ही हैं कहीं भी या तो हम उसे प्रसाद के रूप में ले आए या वहाँ पे पुजारी पंडित जो ले जाना चाहे वो ले जाए या फिर बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है तो भंडारा के रूप में लोगों का काम आएगा और लोगों का काम आएगा तो बहुत मतलब चीज़ें कितनी किस लेवल तक बदल सकती है वो देखिए अगर दूध ज़्यादा हो रहा है उनके पास अनाज है छत्तीसगढ़ में अनाज की कभी कमी नहीं है धान की हो सकता है कि अगले दिन से दूध का उपयोग करने के लिए वो लोग खीर बनाना चालू कर दें खीर बनाना चालू करेंगे प्रसाद के रूप में आपको बांटेंगे हो सकता है कि जो बाहर में लोग भीख मांगने के लिए बैठे रहते हैं उनको प्रसाद के रूप में मिल जाए दोपहर या रात का खाना हो जाए उन लोग का मतलब कितनी चीज़ें बदल सकती है इन सबसे और मतलब ये एक तरीका मैं बता रहा हूँ कि ऐसे करके आप मान सकते हैं तो पहला रीज़न ये था कि आप ना उनको माने और उनको जाने पहले फिर माने मैं बोलता हूँ ग्राम को पहले जानो फिर मानो तो उनको जाने उनको फॉलो करें उनको आदर्श माने वो जो जो उपदेश देते थे जो जो बातें बोलते थे उसको आप सुने उसके पीछे का रास क्या है उसको अमल करने की कोशिश करें ये सही तरीका है और आप चढ़ाते हैं बिल्कुल चढ़ाएँ आप दान करना चाहते हैं दान करें क्योंकि अभी तक मेरे हिसाब से भारत में कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ आप शिव जी की मूर्ति है शिवलिंग है तो वहाँ पे आप अगर एक लीटर दूध चढ़ा रहे हैं तो मतलब वो एक लीटर फिर से कहीं पे एकत्रित हो जाए और उसे आप दोबारा से बांट सकें या खाना बना सकें या पी सकें ऐसा मंदिर ने अभी तक ऐसे व्यवस्था नहीं की है और मंदिर से ऐसा व्यवस्था करवा पाना मुश्किल भी है बहुत मुश्किल शायद नामुमकिन है पर हम खुद में एक चीज़ कर सकते हैं जो मैं बोल रहा था कि आप एक लीटर दूध लेके जा रहे हैं थोड़ा सा आप भगवान में चढ़ाइए और उस डब्बे में वहीं पर रख दीजिए वो धीरे धीरे यूज़ होने लगेगा चाहे वो किसी के भी काम आए आपने कभी पंजाब के स्वर्ण मंदिर जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे भंडारा लगता है मतलब मेरे हिसाब से पंजाब में कोई आदमी भूखा नहीं मरता होगा भूखा नहीं रहता ना भूखा सोता होगा क्योंकि ना चाहे वो भीख मांगने वाला हो चाहे जो भी हो क्योंकि वो अगर कहीं से खाना नहीं पा रहे तो उसको पता है कि स्वर्ण मंदिर में भंडारा लगा है वहाँ से मेरा पेट भर जाएगा तो अभी तो हमारे धर्मों में हिंदू धर्म में ज़्यादातर ऐसा नहीं हो पाया है कि भंडारा लगे रोज पर यह हो सकता है हो सकता है अगर हम ध्यान दें आप लोग ध्यान दें तो वेस्ट करने से बढ़िया उसको सहेज के वहीं पे भगवान के चरणों में ही रखो यार भगवान के चरणों में रख दिए तो आपने भगवान को ही तो चढ़ाया ना ज़रूर नहीं है कि उन्हीं के ऊपर पूरा डाल दें उनको आप चाहते हैं कि उनको मिले तो उनको मिल गया आप चरणों में रख दिए तो बस और बाकी हो सकता है कि धीरे धीरे हमारे जैसे कई जगह हैं जहाँ पे भंडारा लगना चालू हो भंडारा लगना चालू होगा तो कोई भूखा नहीं रहेगा ना कोई कई लोग मांग मांग के ज़िंदगी चला रहे हैं और उनकी हो सकता है कि दो टाइम के खाने का व्यवस्था हो जाए हमेशा तो वो सब हम लोग को सोच रहे हैं हम एक बड़े सिस्टम को दोष देंगे तो कोई मतलब का नहीं है खुद में बदलाव करेंगे थोड़ा थोड़ा वो बहुत है तो पहला मोटो तो मेरा यही था और अगर आप दूसरा रीज़न जानना चाहते हैं तो आपको मेरा YouTube का दूसरा वीडियो जो आने वाला है उसको देखना पड़ेगा तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा मेरे चैनल में बने के धन्यवाद जय हिंद जय भारत